धरती पर एक ऐसा भक्त बालक हुआ है जिसे अगर आज भी स्मरण किया जाए तो उसका नाम लेने मात्र से रोम राजी पुलकित हो उठती है। यह भक्त बालक हुआ है प्रह्लाद। भक्त प्रह्लाद भगवान का इतना अनन्य उपासक कि अगर अपनी सांस भी लेता है तो सांसों में भी प्रभु का ही निवास हुआ करता है। प्रह्लाद जितना प्रभु का भक्त, उसका पिता हिरण्यकश्यप उतना ही भगवान का शत्रु। प्रभु का नाम सुनने मात्र से हिरण्यकश्यप के दिल को आग लग जाया करती। पिता के द्वारा अपने पुत्र को सौ सौ तरीके से रोकने के उपाय किए जाने के बावजूद प्रह्लाद अपनी प्रभु भक्ति पर पूरी तरह अडिग रहा। बताते हैं कि प्रह्लाद को डिगाने के लिए हिरण्यकश्यप ने प्रह्लाद को हाथी के नीचे रौंदवाने का प्रयत्न किया। उफनती हुई नदी के बीच में फेंकने का प्रयत्न किया। इतना ही नहीं, वरन अपनी बहन होलिका की गोद में बैठाकर उसे चिता में भी भस्म करने का प्रयास किया। लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई, जिस आदमी की रखवाली स्वयं प्रभु परमात्मा कर रहे हो उस आदमी को बड़े से बड़ा देव या बड़े से बड़ा दानव भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। आखिर जब हिरण्यकश्यप की बहन होलिका का दहन हो जाता है तो हिरण्यकश्यप इतना अधिक आग बबूला हो जाता है कि स्वयं ये निर्णय कर लेता है कि अब अगर मुझे पुत्र की हत्या का पाप लगे तो लगे, लेकिन आज मैं किसी भी हालत में प्रह्लाद को बचने न दूंगा। और ये सोचकर उसने प्रह्लाद पर अपनी तलवार चलाई, लेकिन तलवार धारहीन हो गई। उसने अपने महल में खड़े हुए खंभे को अपने मुष्टि के प्रहार से तोड़ा और उस खंभे से प्रह्लाद पर प्रहार करना चाहा, पर जैसे ही उसने खंभे पर मुष्टि का प्रहार किया खंभा टूटा और खंभे के टूटने के साथ ही उसमें से भगवान का नरसिंह अवतार साकार हुआ। भगवान नरसिंह प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप को लताड़ते हुए कहा कि अब तक मैं तुम्हारे द्वारा किए जाने वाले सौ सौ अपराध माफ करता रहा, लेकिन आज तुम्हारा काल आ चुका है, अब तुम्हारी मृत्यु की वेला करीब आ चुकी है। किसी भी भक्त पर अगर दुनिया का कोई भी दानव यदि अत्याचार करेगा तो उसके अत्याचार को समाप्त करने के लिए अगर भगवान को भी अवतार लेना पड़े तो भगवान अवतार भी लेंगे। यह कहते हुए भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपने हाथों में पकड़ लिया, अपनी गोद में पटका और उसका पेट अपने नुकीले नाखूनों के द्वारा चीर डाला।
आंतों की माला पहना ली, अट्टहास करने लगे। भगवान का क्रोध इतना अधिक तीव्र हो चुका था अपने भक्त पर किए जाने वाले अत्याचार के कारण कि स्वयं ब्रह्मा भी प्रकट होकर आए, लेकिन भगवान का क्रोध शांत न हुआ। महादेव भी प्रकट होकर आए, लेकिन प्रभु का क्रोध शांत न हुआ। लक्ष्मी जी को निमंत्रण दिया गया, पर लक्ष्मी जी घबरा गई कि भगवान के इस क्रोधित स्वरूप के सामने जाने की मेरी तो औकात नहीं है। आखिर ब्रह्मा और महादेव दोनों ही मिलकर के प्रहलाद के समक्ष पहुंचे और कहा, भक्त अब तो तुम ही तुम्हारे भगवान को शांत और संतुष्ट कर सकते हो। प्रहलाद को कौन सा भय? प्रहलाद तो अपने भगवान के पास गया और उनका स्तुति गान करने लगा, उनके चरणों में जाकर के लिपट पड़ा। भगवान उसकी सेवा से, उसकी प्रार्थना से, उसकी स्तुति से इस तरह प्रसन्न हुए कि उन्होंने प्रहलाद को अपनी गोद में उठाया और अपने मुंह की जिह्वा से उसे प्यार करने लगे, उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और कहा, कहो वत्स, आज तुम अपने भगवान से क्या मांगना चाहोगे? जो तुम मांगोगे वही तुम्हें मिल जाएगा। प्रहलाद ने कहा, प्रभु मैंने कुछ भी पाने की कामना से आपकी प्रार्थना नहीं की है। अगर आप सचमुच ही मुझे कुछ देना चाहते हैं तो ये वरदान दीजिए कि प्रहलाद के मन में सदा आपकी निष्काम भक्ति बनी हुई रहे और उसके मन में किसी भी प्रकार की चाह और कामना न उठे। भगवान ने कहा, वत्स, तुम्हारी इस निष्काम भक्ति से मैं और प्रसन्न हुआ। मांगो तुम एक और वरदान मांगो, जो भी तुम मांगना चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा। प्रहलाद ने कहा, भगवान मेरी ओर से निष्काम भक्ति की बात स्वीकार कर लिए जाने के बावजूद आपके द्वारा ये कहा जाना कि मांग और क्या वरदान मांगना चाहता है, इसका मतलब साफ है कि मेरे मन में अभी भी कोई न कोई चाहत बची हुई है। तो भगवान मैं आपसे यही वरदान मांगना चाहूंगा कि मेरे पिता हिरण्यकश्यप के द्वारा आपका अब तक जितना घोर अपमान हुआ है और आपके इस भक्त प्रहलाद पर जो घनघोर अत्याचार हुए हैं और इन अत्याचारों और अपमान के कारण उनके जो पापों के अनुबंध बने हैं, मैं चाहता हूं प्रभु कि आप मेरे पिता के उन सारे पापों को माफ कर दें। भगवान ने कहा, प्रहलाद भक्त हमेशा दयावान हुआ करता है, भक्त सदा करुणाशील हुआ करता है, भक्त सदा क्षमा से आपूर्त हुआ करता है और तुम इसके प्रतीक हो। अरे प्रहलाद, अरे जिस घर में प्रहलाद जैसी एक भी भक्त संतान पैदा हो जाया करती है, उस व्यक्ति का पिता कितना भी पापी और अत्याचारी क्यों न हो, उसके तो पाप अपने आप ही माफ हो जाया करते हैं। और प्रहलाद, जिस घर में तुम जैसी संतान पैदा हो जाया करती है, उस घर के पिता के पाप ही नष्ट नहीं होते, वरन उसकी 21-21 पीढ़ियां तिर जाया करती है। जिस घर में एक दुष्ट संतान का जन्म होता है, उस संतान के कारण उसकी 21 पीढ़ियां डूब जाया करती हैं, और जिस घर में ध्रुव प्रहलाद और नचिकेता जैसी एक संतान पैदा होती है, तो एकमात्र इस कारण से उसकी 21 पीढ़ियां तिर जाया करती हैं। कभी आचार्य मानतुंग सूर्य ने भगवान श्री आदिनाथ की प्रार्थना करते हुए कहा था कि धरती पर हर माता किसी न किसी पुत्र को जन्म तो जरूर दिया करती है, लेकिन हे प्रभु आदिनाथ, तुम्हें जन्म देने वाली माता भी धन्य हुआ करती है। हर जननी सुत जन्मा करती,
जनमन पाई तुझसा वैभव, अरे नखत धारती सकल दिशाएं, पर सूरज प्राची से संभव। हर जननी सुत जन्मा करती, हर मां एक संतान को जरूर पैदा करती है, लेकिन हे प्रभु आदिनाथ, तुम्हारे जैसे वैभव को जन्म देने वाली माता तो केवल मरु देवी ही हुई है। माना कि आसमान में हर दिशा तारे और सितारों को धारण करती है, लेकिन सूरज को धारण करने वाली दिशा तो एक अकेली पूरब ही हुआ करती है। जिस घर में दुष्ट लोग जन्म लेते हैं, उन लोगों की पीढ़ियां डूब जाया करती हैं, और जिस घर में ज्ञानी और भक्त लोग पैदा हुआ करते हैं, उन लोगों की पीढ़ियां तिर जाया करती है। दुष्ट लोग तो जीते जी नकार दिए जाते हैं, दुत्कार दिए जाते हैं, धनवान लोग मरने के बाद भुला दिए जाते हैं, पर ज्ञानी और भक्त लोग तो युग युगांतर के बाद भी धरती के पटल पर सदा सदा याद किए जाते हैं। इसलिए दुष्ट की मृत्यु होती है, धनवान लोग स्वर्ग को उपलब्ध करते हैं, किंतु भक्त और ज्ञानी लोग तो मोक्ष और मुक्ति को उपलब्ध किया करते हैं। धनवान का निर्वाण नहीं होता और भक्त की कभी मृत्यु नहीं हुआ करती। भक्त तो शरीर के चले जाने के बावजूद भी धरती के पटल पर सदा सदा मानस पर मानव जाति के बीच अमर रहा करते हैं। अगर कपूर जल जाता है तब भी अपने पीछे खुशबू छोड़ कर जाता है, अगरबत्ती अगर जल जाती है तो अगरबत्ती अगर रहती है तब भी खुशबू देती है, और अगरबत्ती अगर जलती है तब भी अपनी खुशबू देती है। गुलाब का फूल अगर डाली पर रहेगा तब भी अपनी खुशबू बिखेरेगा, और अगर सूख कर किसी किराने की दुकान पर बिकेगा तब भी अपनी खुशबू देगा। ज्ञानी और भक्त लोग तो ऐसे ही कपूर की तरह होते हैं, ऐसे ही अगरबत्ती और गुलाब के पुष्प की तरह हुआ करते हैं, कि जो अगर रहते हैं तब भी वे धरती पर अपनी खुशबू देते हैं, और चले जाते हैं तब भी, चाहे वो बालक ध्रुव हो, चाहे वो बालक नचिकेता हो, चाहे वो बालक प्रहलाद हो, चाहे वो बालक अति मुक्त हो, भगवान को भजने की कोई उम्र नहीं होती। किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर किस्मत साथ दे दे तो शायद वो 2 साल में करोड़पति हो सकता है, लेकिन ज्ञानी होने के लिए आदमी को पूरा जीवन लगाना पड़ता है। ज्ञानी होने के लिए आदमी को पूरा जीवन लगाना पड़ता है। पर मेरे भाई, किसी आदमी को भक्त होने के लिए अपने आप को ही पूरी तरह मिटा डालना पड़ता है, कि अब मैं नहीं, अब तो केवल तू ही है। मुझ में भी तू है और तुझ में भी तू है। मेरा मैं जब गिरता है तब ही वो साकार होता है, बाधक बनता है मैं और मेरा। और जब मैं ना रहा और मेरा ना रहा, वरन सब कुछ उसी का हो गया, वहां पर भक्त की हर इच्छा प्रभु की इच्छा हुआ करती है, और प्रभु की हर व्यवस्था भक्त के द्वारा स्वीकार हो जाया करती है। ये तो प्रभु का मार्ग है, और प्रभु के मार्ग पर प्रहलाद जैसे लोग यही प्रार्थना करेंगे, प्रभु तू मेरे पिता को माफ कर। जीसस ने मरने से पहले जिन लोगों ने उन्हें सलीब पर चढ़ाया था, उनके लिए जीसस ने केवल इतनी सी ही प्रार्थना की थी कि हे प्रभु तू इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। जिन लोगों के द्वारा मुझे सलीब पर चढ़ाया गया है, प्रभु तू इन्हें माफ कर देना, क्योंकि ये लोग नहीं जानते कि इन्होंने ऐसा करके क्या किया है। जब भगवान श्री महावीर के कानों में कीले ठोकी गई तो महावीर ने कोई इसका विरोधाभास न किया, कोई भी प्रतिरोध न किया, केवल कीले ठोकने के प्रति इतना सही शब्द कहा कि हे प्रभु
अरे आज इन्होंने मेरे कानों में कीले ठोकी हैं, अरे मैं तो इन्हें बर्दाश्त कर गया, पर जब इन कर्मों का उदय आएगा और इस ग्वाले के कान में वापस जब कीले ठुकेंगी तो ये बेचारा कैसे इसे बर्दाश्त कर पाएगा। ये बेचारा आखिर इसे बर्दाश्त कैसे कर पाएगा। कोई भी व्यक्ति की जिनके भीतर ऐसी भक्ति की हिलोर जग जाया करती है वे तो सदा सदा दयावान और क्षमाशील हो जाया करते हैं। स्वयं पर अत्याचार करने के बावजूद प्रहलाद जैसे लोग यही कहते हैं, हे प्रभु अगर तुम मुझे वरदान देना चाहते हो तो मेरे पिता के पापों को माफ करो। इस्लाम धर्म की एक महान साध्वी हुई है जिसका नाम है राबिया वसी। मैं इस साध्वी का बहुत सम्मान करता हूं। राबिया वसी के जीवन की इतनी इतनी बेहतरीन घटनाएं और कहानियां हैं कि जब जब भी इन कहानियों को पढ़ते हैं तो रोम राजी पुलकित हो जाती है। और मैं वो घटना कहता हूं कि जो घटना राबिया वसी के शुरुआती दिनों की है। राबिया वसी एक मालिक के घर में गुलाम थी, बिक गई थी। मां उसकी मर गई, पिता उसके चल बसे। काका ने उसे ले जा करके किसी मालिक किसी बड़े साहूकार के पास बेच डाला। राबिया वसी वहां गुलामी का काम करती थी और उस जमाने में गुलाम लोगों के प्रति कैसा बर्ताव हुआ करता था आप सब लोग भली भांति जानते होंगे। सुबह 4 बजे जगा दिया जाता और रात को 11 बजे तक काम किया जाता। गलती हो जाने पर सीधा हंटरों से पीटा जाता। लूखी सूखी रोटियां उन्हें खाने को मिलती। राबिया वसी वह भी गुलाम थी और उसके साथ भी ऐसा ही बर्ताव हुआ करता था। एक दिन राबिया वसी का मालिक वो साहूकार रात को 2 बजे जगा और घर के बाहर निकलकर आया तो देखा कि गुलामों की जहां पर उसने झोपड़ियां बना रखी थी उनमें से एक झोपड़ी में से प्रकाश निकल रहा है। वो चौंका कि रात को 2 बजे किस गुलाम ने अपनी झोपड़ी में लालटेन जला रखा है और व्यर्थ में मेरा तेल बर्बाद कर रहा है। वो करीब आया तो देखा राबिया वसी की झोपड़ी में से रोशनी निकल रही है। वो और करीब आया, राबिया वसी को डांट लगाने के भाव से करीब आया, मगर जैसे ही वो करीब आया तो चौंक पड़ा। उसने देखा झोपड़ी की खिड़की में से कि वहां पर कोई भी लालटेन नहीं जल रहा था, मगर फिर भी कमरे में बड़ा अद्भुत प्रकाश था। वो चौंका, बिना कंदील बिना लालटेन बिना मोमबत्ती के बिना किसी चिराग के फिर भी प्रकाश कैसे निकल रहा है। वो झोपड़ी के और करीब गया, खिड़की के भीतर झांका तो देखा कि राबिया वसी नमाज अदा कर रही है और नमाज अदा करने के बाद वो प्रार्थना कर रही है कि हे मेरे खुदा, हे मेरे परवरदिगार, तू मेरे मालिक पर रहम करना। मेरे मालिक ने हम 100-100 गुलामों को अपने यहां आश्रय दे रखा है और उसके बलबूते पर ही हम सब लोगों को रोटी खाने को मिलती है। मैं मानती हूं खुदा कि मेरा मालिक अपने गुलामों पर अत्याचार भी करता है लेकिन रोटी भी उसी के कारण खाने को मिलती है। हे मेरे खुदा तू बरकत करना, मेरे मालिक पर रहम करना, उसका खजाना हमेशा भरे हुए रखना और उसके दरवाजे पर हमेशा गौ धन हमेशा गज धन और हमेशा रत्नों का धन भरे हुए रखना। वो इस तरह से प्रार्थना कर रही थी कि उसका मालिक साहूकार ये सोचने लगा कि जिस राबिया वसी पर मैं इतना अत्याचार कर रहा हूं वो राबिया वसी अपने भगवान से मेरे लिए इस तरह के रहम की मिन्नत खा रही है
और उसकी झोपड़ी से इतना अद्भुत प्रकाश निकल रहा है, निश्चय ही ये कोई सामान्य महिला नहीं है, ये कोई अद्भुत, कोई खुदा का अवतार है, कोई भगवान का पैगंबर है, कोई महान साध्वी है। वो इस तरह से भाव कर रहा है इधर उधर। राबिया वसी अपने मालिक के लिए दया, क्षमा, समृद्धि की कामना कर रही है और वो प्रकाश फैलता चला जा रहा है। आखिर उसके मालिक से रहा न गया, उसने राबिया वसी के पर्ण कुटीर के भीतर अपने कदम रखे और देखा कि राबिया वसी वहां राबिया वसी नहीं है, वरन राबिया वसी के आकार का एक प्रकाश पुंज वहां पर खड़ा है। वो गया और राबिया वसी के पांव में गिर पड़ा। तभी राबिया वसी वहां साकार हुई और उसने कहा, मालिक ये आप क्या कर रहे हैं? मालिक ने कहा, राबिया मुझे माफ करो, मैं नहीं जानता था कि तुम कितनी महान हो। हकीकत तो ये है कि गुलाम तुम नहीं, गुलाम तो हकीकत में तुम्हारा हूं, गुलाम तो हकीकत में मैं तुम्हारा हूं। और ये कहते हुए उसके पांव में गिर पड़ा। उसने अपनी जेब से दिनारे निकाली और राबिया के चरणों में चढ़ाते हुए कहा, राबिया आज के बाद तुम मेरे घर से, दास प्रथा से, गुलामी की प्रथा से मुक्त हो। राबिया ने कहा, एक शर्त पर, मैं एक शर्त पर तुम्हारे द्वारा दी जाने वाली इस मुक्ति को स्वीकार कर सकती हूं, और वो शर्त यह है कि मेरे साथ ही साथ तुम अपने यहां पर रहने वाले सारे गुलामों को मुक्त कर दोगे। और तब वो मालिक उन सारे गुलामों को मुक्त कर देता है और तब वो महान साध्वी वहां से निकलती है। गुलामी से जब वो मुक्त होती है तो वो मुक्त होने वाली गुलाम गुलाम नहीं होती, वो इस्लाम धर्म की महान साध्वी राबिया वसी बनती है। भक्त तो सदा दयावान और क्षमाशील ही होता है। जिस आदमी के भीतर जितनी ललक हुआ करती है, जितनी प्यास हुआ करती है, वह व्यक्ति उतना ही परमात्मा के सानिध्य को, प्रभु के आशीर्वाद और अनुग्रह को प्राप्त करने में सफल हो जाया करता है। जितनी प्यास होगी उतनी ही पानी की कीमत हुआ करती है। माना कि पानी मूल्यवान है, पर अगर प्यास न हो तो दो कौड़ी का है। प्यास अगर जिगर में है तो आधा घूंट पानी भी लाख का होता है, और प्यास अगर जिगर में ना हो तो लाख का पानी भी खाक का हुआ करता है। कीमत पानी की है, कीमत परमात्मा की है, लेकिन परमात्मा की कीमत तभी है जब किसी इंसान के भीतर परमात्मा की ललक, लगन और प्यास पैदा हो जाया करती है। अगर जमीन में प्यास न हो और बादल से अगर पानी बरसे तो पानी बेकार हो जाया करता है, और अगर प्यास उठती हो इस जमीन में से, इस जमीन में से अगर प्यास उठती हो तो बादल का बरसना एक एक बूंद भी अपने आप में सोने की फसल को खड़ा करने के समान हो जाया करता है। प्यास, लगन, ललक, ललक अगर भीतर में उठती है, तमन्ना अगर भीतर में उठती है, तो कबीर जैसे लोग जुलाहे के कुल में पैदा होते हैं और धागे को बुनते बुनते, चदरियाओं को बुनते बुनते भी राम को पा लिया करते हैं। जब कबीर के पास लोग जाया करते और पूछा करते, कहो भाई कबीर ये चदरिया किस मोल में बेचोगे, किस भाव में बेचोगे? कबीर कहते, आओ प्रभु पधारो, तुम तो जो भाव दे जाओगे उसी भाव में ही तुम्हें बेच दूंगा। बोले, भाई मैं कोई राम नहीं हूं, मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं तो ग्राहक हूं। कबीर कहते, माना तुम ग्राहक होगे, पर मैंने तो इस चदरिया के हर तागे को, हर धागे को बुनते हुए राम का ही नाम लिया है। इस चदरिया को बुनते हुए मैंने हर धागे के साथ राम का नाम लिया है,
राम नाम रस भीनी रे चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस भीनी रे चदरिया झीनी रे झीनी, के ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी, और दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी के ज्यों की त्यों धर दीनी रे चदरिया झीनी रे झीनी। मैंने तो इसके धागे को एक एक ताने को बुनते हुए प्रभु का नाम लिया है। मेरे भाई अगर बहनों तुम लोग भोजन भी बनाओ और भोजन को बनाते वक्त अगर चम्मच भी हिला रहे हो और चम्मच को हिलाते हुए भी अगर प्रभु का नाम लेते हो तो वो भोजन भोजन बनाना नहीं होगा, वो भोजन बनाना भी प्रभु का भोग चढ़ाना हो जाएगा। अगर खुद खाओगे, अगर खुद खाओगे तो रोटी रोटी रह जाएगी, भोजन भोजन हो जाएगा। और अगर खाना खाने बैठो, सामने थाली आई, हाथ जोड़ा और अंतर मन से प्रार्थना की, लो प्रभु जी भोग अपना स्वीकार करो, और ये मानते हुए अगर भोजन ग्रहण करोगे वो भोजन तुम्हारे पेट में नहीं जाएगा, वो भोजन सीधा तीन त्रिलोकी नाथ के पेट में चला जाएगा। और मैं समझता हूं अगर कोई आदमी ये भाव अपने भीतर साकार करेगा, मेरे जीवन का ईमान यही है कि मैं जब भी भोजन करता हूं तो मुझे ये नहीं लगता कि भोजन मैं कर रहा हूं, भोजन करने बैठता हूं, प्रभु का स्मरण करता हूं, प्रणाम समर्पित करता हूं और इतना सही भाव रखता हूं, लीजिए प्रभु अर्घ्य स्वीकार कीजिए, और फिर खाना खाना शुरू कर देता हूं। और खाना खाते वक्त अगर लगता है कोई स्वाद ठीक नहीं है तो कह देता हूं, भैया भगवान को स्वाद पहले चख लो उसके बाद में खिलाया करो, ढंग से चख लिया करो फिर भगवान को खिलाया करो, क्योंकि हमारी ओर से जो भगवान को अर्घ्य समर्पित किया जाए उसमें कोई तरह की कमी नहीं रहनी चाहिए। 56 भोग चढ़ाओ उसे, प्रभु के नाम पर अगर भोजन करो तो भोजन भी भोग बन जाता है। कबीर जुलाहे कुल में पैदा हुए, गोरा जाति का कुमार, रैदास जाति के मोची, मगर गोरा जब भी घड़ा बनाता तो घड़ा बनाते बनाते ही गोरे ने अपने आप को बना लिया था, और रैदास के जिनके नाम से दुनिया में यह कहावत मशहूर हुई थी कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, ऐसा आदमी जाति का मोची, कि जिस आदमी के नाम से यह कहावत मशहूर हुई कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, जब राजा ने कहा था कि मैं गंगा स्नान करने के लिए जा रहा हूं, तुम्हें भी चलना हो तो तुम भी चल लो, तो रैदास ने कहा था मन चंगा तो कठौती में गंगा, और ये कहते हुए उसने पास में पड़ी थी कठौती और उसमें अपना जूता डुबाया और जूता डुबा करके उसमें से जल निकाला और राजा से कहा, राजन अगर तुम्हें गंगा जल का आचमन करना हो तो मेरे इस कठौती के जल से कर लो, और तब दुनिया समझ न पाई, तब दुनिया समझ न पाई, और राजा जाता है गंगा जी में अवगाहन करने के लिए, लेकिन जब वहां पर खड़े होकर स्तुति पाठ करता है गंगा जी प्रकट होकर आती है, कहती है मांगो भक्त क्या मांगना चाहते हो, बोले मैं शुद्ध गंगा जल मांगना चाहता हूं, तो गंगा जी कहती है शुद्ध गंगा जल अगर तुम्हें चाहिए तो जा तो रैदास के पास, कि जिस कठौती में वो अपने जूते भिगो भिगो कर और जूतों की सिलाई किया करता है, मेरा वासा वहां पर है, क्योंकि वो जितनी बार जूते भिगोता है उतनी बार ही वो गंगा मैया को प्रणाम करता है। आदमी अगर प्रभु को पाना चाहे तो आदमी कुछ भी काम करके उस प्रभु की करीबी को प्राप्त कर सकता है। प्रभु आपके पास है, प्रभु मेरे पास है, प्रभु अपन सब लोगों के पास है, प्राणी मात्र में उस प्रभु का निवास हुआ करता है। जितनी ललक होगी, जितनी लगन होगी, मैंने पहले ही कह दिया कि अगर प्यास होगी तो पानी मूल्यवान होगा, और प्यास न होगी तो तुम्हारे द्वार पर अगर प्रभु भी आकर के खड़े हो जाएंगे तो क्या कर लोगे। प्यास थी द्रौपदी के भीतर, तो प्यास के कारण द्रौपदी प्रभु को पहचान गई,
प्यास थी चंदन बाला के भीतर कि जिसके चलते अगर प्रभु सामने निर्वस्त्र होकर के चले आए एक याचक बनकर, तो भी चंदन बाला उन्हें पहचान गई। भीतर में अगर प्यास है, लगन है, तो मेरे भाई, मेरे देखे आदमी कहीं भी उसको पा सकता है। एक बहुत प्यारे संत हुए हैं, मैं बहुत प्यार से ये आत्मा में आनंद लेते हुए ये कहानी कहूंगा, आप लोगों को सुनाने के लिए नहीं, वरन अपनी आत्मा में आनंद लेने के लिए कहानी कहूंगा। और ये बाबा हुए हैं, संत हुए हैं, बाबा फरीद। बाबा फरीद जिनको कि हिंदुओं ने भी पूजा और मुसलमानों ने भी पूजा, लेकिन जब तक वो जिंदे रहे तब तक कट्टरवादी मुसलमान उनके बहुत खिलाफ रहे, क्योंकि वो सदा यही कहा करते थे कि खुदा मुझ में है और मैं ही खुदा हूं, अनलहक मैं ही ब्रह्म हूं और ब्रह्म मुझ में है। इस्लाम में कोई आदमी ये कह दे कि मुझ में ही है खुदा और मैं ही खुदा हूं, ये बात कहने वाले इंसान की जबान काट दी जाती है। कट्टरवादी मुसलमानों ने राजा के सामने, बादशाह के सामने जब ये शिकायत की कि बाबा फरीद इस तरह से अपने मुंह से मन चाहे सो बोला करता है, बाबा फरीद को पकड़ा दिया जाता है, राजसभा के बीच खड़ा किया जाता है। और राजा पूछता है, ये जो बात मैंने सुनी है क्या ये सच है? बाबा फरीद तो वहां पर नृत्य करने लग जाते हैं और कहने लगते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं और मुझ में ही मेरा ब्रह्म है। वापस इसी तरह से बोलने लग जाते हैं, राजा को क्रोध आता है, बादशाह को क्रोध आता है, और क्रोध के मारे वो आदेश देते हैं कि मैं अपने अनुचरों को आदेश देता हूं कि बाबा फरीद की जीवित चमड़ी उतार दी जाए, और राजसभा के बीच बाबा फरीद की चमड़ियों को उतारा जाता है, ठीक वैसे ही जैसे जानवर के मर जाने के बाद जानवर की चमड़ी को उतार दिया जाता है, ठीक वैसे ही बाबा फरीद की चमड़ी को चाकू से उस्त्रों से छील दिया जाता है और वो एक मांस का लोथड़ा बन जाते हैं। बाबा फरीद राजसभा से निकल आते हैं और राजमार्ग से गुजरने लगते हैं, लोग उन्हें देख करके डरने लगते हैं, क्योंकि एक मांस का लोथड़ा सड़क पर से चलता चला जा रहा है। और वो तब भी वही अपने प्रभु को, वही अपने खुदा को याद करते हुए राजमार्ग को पार करते हैं, और जब नगर के बाहर पहुंच जाते हैं तो उनमें फिर खड़ा रहने की ताकत नहीं रह पाती, वो गिर पड़ते हैं। उन पर गीद मंडराते हैं, उन पर कौवे मंडराते हैं, उस बाबा फरीद को जीते जी उनको खाने लगते हैं, नोचने लगते हैं, नोच नोच कर कौवे उस मांस के लोथड़े को खाने लगते हैं। और तब बाबा फरीद दो पंक्तियां कहते हैं, उस अंतिम वेला में बाबा फरीद अंतिम दो पंक्तियां कहते हैं, और वो पंक्तियां होती हैं, कागा यह तन खाइयो, कागा यह तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, कागा यह तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, पर दो नैना मत खाइयो, पिया मिलन की आस। कागा यह तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो, पिया मिलन की आस। हे कौवो, तुम मेरे शरीर को नोच नोच कर खा जाना, पर मेरे इन दो आंखों को अंतिम क्षण तक भी छोड़ देना, ताकि अगर अंतिम पल में भी मेरे प्रियतम का दीदार मुझे दिख जाए तो मेरा ये सारा त्याग धन्य हो जाएगा, ये मेरा चमड़ी उतरवाना धन्य हो जाएगा, मेरा संन्यास लेना धन्य हो जाएगा। और कहते हैं वो इन्हीं दो पंक्तियों को गुनगुनाते गुनगुनाते बेहोश हो जाते हैं, मगर जब सुबह उठते हैं तब
तो देखते हैं उनका शरीर जैसा पहले था उससे भी ज्यादा दिव्य हो चुका है और उनकी चमड़ी वापस आ चुकी है। और तब बाबा फरहीद वहां से खड़े होते हैं, उनका पूरा शरीर प्रकाश से भर उठता है और तब राजसभा तक उसका प्रकाश पहुंचता है और तब राजा को अपने किए का प्रायश्चित होता है। और बाबा फरहीद तब भी यही कहते हैं, राजन मेरे मन में तुम्हारे प्रति कोई क्रोध नहीं है, हकीकत तो ये है कि मैं तुम्हारा एहसान मंद हूं कि तुमने मेरी चमड़ी उतरवाई और आखिर प्रभु के दीदार मुझे दिखाए। मैं तो तुम्हारा ऋणी हूं, याद तो अपन सब लोग भी प्रभु को करते हैं, याद तो अपन भी सब लोग प्रभु को करते हैं, मगर प्रभु की याद हमारे जीवन में बिल्कुल अंतिम चरण में है। आप लोग कबीर का वो दोहा गाया करते हैं ना, सुख में सबको याद है कि सुख में सुमिरन सब करे, उल्टा बोल गए ना, दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। एक बार सब लोग वापस बोल लो, दुख में सुमिरन और सुख में करे ना, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अगर कोई व्यक्ति सुख में ही सदा उसका सुमिरन करता रहेगा तो उस आदमी को भला दुख कहां से आएगा। लेकिन इंसान सुख में तो रमा को याद करता है और दुख में रामा को याद करता है। सुख आता है तो पत्नी को याद करता है और दुख आता है तो परमेश्वर को याद करता है। और अगर यही धरती का सत्य है तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान हर इंसान को थोड़ा बहुत दुख तो देते रहना ताकि वो तुम्हें कभी न भूल पाए। क्योंकि इंसान सुख में तो सदा सदा उसे भूल जाया करता है और जब दुख में ही वो याद आता है तो फिर हर जीवड़े के साथ थोड़ा बहुत दुख तो हमेशा रहना चाहिए ताकि आदमी उसको भूल न पाए। मुझे बाबा हुसैन की एक बात सदा सदा याद रही है और बाबा हुसैन ने बड़ी दो पंक्तियां कही थी, पवित्र पंक्तियां, जो मैं भी सदा याद रखता हूं और आप भी सदा याद रखिएगा। और उन्होंने कहा था कि हे प्रभु, अरे जब हम तेरी सेवा और भक्ति कर रहे होते हैं, तेरा भजन कर रहे होते हैं, तब तो हम थोड़े से इंसान कहलाने के काबिल होते हैं, बाकी तो हमसे वो गली के कुत्ते कहीं ज्यादा अच्छे होते हैं जो मालिक की रोटी खाते हैं और मालिक की हाजिरी बजाते हैं। जो मालिक की रोटी खाते हैं और मालिक की हाजिरी बजाते हैं, हम रोटी तो खाते हैं मालिक की और मालिक के नाम की है, मगर हाजिरी उसकी पूरी नहीं बजा पाते हैं। और अगर बाबा, ओ मेरे बाबा, अगर प्रभु के नाम की रोटी तुम्हें खाने को मिलती है और अगर हाजिरी नहीं बजा पाते तो याद रखना कि हमसे तो गली के वो कुत्ते कहीं ज्यादा अच्छे होते हैं जो मालिक की रोटी खाते हैं और मालिक के आगे फिर जाकर के दुम हिलाया करते हैं, मालिक के आगे जाकर दुम हिलाया करते हैं। आदमी याद तो करता है, प्रभु को याद करता है, कब याद करता है? विद्यार्थी तब याद करता है जब परीक्षा नजदीक आती है। विद्यार्थी तब याद करता है जब परीक्षा नजदीक आती है। और गरीब कब याद करता है? जब पेट में भूख लगी होती है तो भगवान याद आते हैं। और चोर कब याद करता है? हैं? चोरी में पकड़े जाने पर चोर याद किया करता है। और पैसे वाला आदमी भगवान को कब याद करता है? हैं? जब क्या हो जाता है? कोई पैसे वाला बताओ भाई, अनुभव की बात बताइएगा, सुनी सुनाई बात मत बताइएगा,
कोई धनी आदमी बताए कि उसको प्रभु जी कब याद आते हैं। मेरी समझ से तो मैं आज तक जितने पैसे वालों के करीब आया हूं तो मैंने देखा है जब जब आदमी हॉस्पिटल में भर्ती होता है ना पैसे वाला, तब तब उसको महाराज जी भी याद आते हैं, गुरु जी भी याद आते हैं और भगवान जी भी याद आ जाते हैं। और नेताजी को भगवान कब याद आते हैं? कब याद आते हैं? चुनाव इलेक्शन आता है तो उसको भगवान जी याद आते हैं। भगवान बेड़ा पार लगा देना, हर कोई आदमी तब तब भगवान को याद किया करता है जब जब उसके पास मुसीबत की वेला आती है। इंसान तीन कारणों से भगवान को याद करता है, या तो मुसीबत में पड़ जाए, दुख में पड़ जाए तो आदमी भगवान को याद करता है, और या फिर आदमी भगवान को याद करता है जब कोई भय से ग्रस्त होता है तो आदमी भगवान को याद करता है, भगवान बचाओ बचाओ। और या फिर इंसान भगवान को याद करता है जब कोई खुदगर्जी पड़ जाती है, स्वार्थ का काम आ जाता है तो उसे निकालने के लिए आदमी भगवान को याद करता है। भगवान कब याद करते हैं अपन? हैं? तीन स्थितियों में। कौन कौन सी? पहली स्थिति कौन सी? दुख में, दूसरी डर में, और तीसरी स्वार्थ में। तीन कारणों से आदमी भगवान को याद किया करता है, पर भगवान तीन लोगों को नापसंद भी करते हैं। भगवान तीन लोगों को नापसंद भी करते हैं, उनमें पहला है दुराचारी। दुराचारी लोगों को भगवान पसंद नहीं करते, और दुराचारी में भी अगर कोई संत होकर के भी दुराचार करता है तो भगवान उसको तो कतई पसंद नहीं करते। भगवान जिस दूसरे को पसंद नहीं करते उसका नाम है कंजूस। भगवान कंजूस को पसंद नहीं करते, और कंजूस में भी अगर कोई पैसे वाला कंजूस है तो भगवान उसका तो मुंह भी देखना नहीं चाहते। और भगवान जिस तीसरे को पसंद नहीं करते वो है अन्यायी आदमी को भगवान कभी भी पसंद नहीं करते, और अन्यायी में भी अगर कोई न्यायाधीश होकर के भी अन्याय करता है तो भगवान उसका तो मुंह भी देखना पसंद नहीं करेंगे। तीन लोगों को भगवान ना पसंद करते हैं, पर बाकी तो भाई चाहे आदमी गरीबी में याद करे, विद्यार्थी चाहे परीक्षा की वेला में याद करे, और चाहे नेताजी इलेक्शन के वक्त में भगवान को याद करे। मैंने तो भगवान की यही महिमा देखी है कि भगवान को तो जब भी जैसे भी जिस रूप में भी याद कर लोगे भगवान तो वहीं पर ही अपना अनुग्रह बरसाना शुरू कर देते हैं। भगवान तो याद करो तो भी वो काम आएंगे, और याद न करो तो भी वो काम आएंगे। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, और कहानी ये है कि एक आश्रम में एक भूखा आदमी पहुंचता है और जाकर कहता है, महाराज भूख लगी है बड़ी, जोर की रोटी खिला दो। महाराज ने कहा, भाई रोटी तो खिला दो प्रेम से, पर पहले तुम्हें भगवान की एक माला जपनी पड़ेगी। रोटी तो खिला दो पर भगवान के नाम की तुम्हें एक माला जपनी पड़ेगी। उसने कहा, महाराज रोटी खिलाओ चाहे मत खिलाओ, मैं तो भगवान का नाम नहीं लूंगा। महाराज ने कह दिया कि भाई अगर माला नहीं जपेगा तो मैं तुझे खाना नहीं खिलाऊंगा। युवक ने कहा, महाराज बहुत भूखा हूं, सच्ची में बहुत भूखा हूं, रोटी खिला दो आपको बहुत पुण्य होगा। बोले, भाई तू चाहे भूखा मर चाहे कुछ भी कर, पर जैसा तेरा नियम है कि मैं माला जपूंगा नहीं, तो मेरा भी नियम है कि जब तक कोई माला नहीं जपेगा तब तक मैं अपने आश्रम में उसे खाना नहीं खिलाऊंगा। दो तीन घंटे वो युवक बैठा रहा, पर महाराज अपनी बात पर अड़े रहे और युवक चला गया। रात को भगवान जी सपने में आए और भगवान ने कहा, अरे भाई तूने बिचारे उस भूखे को घर से बाहर निकाल दिया। बोले, संत ने कहा, भगवान अरे मैंने तो उसको बहुत कहा था कि भगवान के नाम की माला जप ले, मगर वो तो ऐसा था कि वो तैयार ही ना हुआ। अब बताइए कि मैं अपने नियम को कैसे छोड़ता। भगवान ने कहा, भाई जो बात तुमने कही है वो बात तो और भी लोग उसको 30 साल से कह रहे हैं।
जो बात तुमने कही है वो बात 30 साल से और भी संत लोग उसे कहते रहे हैं, पर उसने आज तक माला कभी जपी नहीं, पर फिर भी मैं 30 साल से लगातार उसका पेट भरता आ रहा हूं। उसने आज तक मेरी माला नहीं जपी, लेकिन फिर भी मैं 30 साल से उसका पेट भरता आ रहा हूं, और मैंने केवल एक दिन तुम्हारे आश्रम में भेज दिया और तुमने उसको भूखा निकाल दिया। प्रभु तो अंधों को आंखें देते हैं, गूंगों को जबान देते हैं, बहरों को कान दे दिया करते हैं, तुम क्या किसी भूखे को रोटी भी नहीं दे सकते? भगवान का दरबार तो वो दरबार है कि जहां पर कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में उसे क्यों न याद करे, किसी भी रूप में क्यों न पुकारे, चाहे द्रौपदी बनकर के चीरहरण के वक्त पुकारा जाए, चाहे चंदन बाला बनकर के और सिर मुंडे जाने पर पुकारा जाए, चाहे जहर का प्याला आ जाने पर मीरा बन करके पुकारे, आदमी तो जब भी जिस भी रूप में प्रभु को पुकारना चाहेगा, प्रभु उसके सामने हाजिर हो जाएंगे। उनके अनुग्रह, उनके कृपा का प्रसाद हम सब लोगों पर बरसना शुरू हो जाएगा। तो याद रखना, प्रभु को किसी भी रूप में पुकारो, कभी भी पुकारो, पुकारना मत भूलना। प्रभु को जिस रूप में भी पुकारोगे, प्रभु का प्रसाद हम पर जरूर बरसेगा। मैंने तो अपने जीवन में सैकड़ों सैकड़ों दफा इस तरह के प्रसंग देखे हैं जब मैंने पाया है कि यह वही वक्त है कि जब प्रभु की कृपा हुई और ये संकट की वेला इस तरह से टली। प्रभु के रूप अलग अलग होते हैं। एक जगह बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई तो एक प्रभु का भक्त था, बाढ़ में उस झोपड़ी में फंस गया, अपने पूजा पाठ कर रहा था और बाढ़ में फंस गया। फंस गया तो लोग उसके घर के करीब आए और आकर कहने लगे, पंडित जी पंडित जी, अरे बाहर निकलिए बाहर निकलिए। बोले क्यों क्या हुआ? बोले पानी भर गया। बोले अच्छा पानी भर गया? बोले कि जल्दी से जीप में चढ़ जाइए, हम आपको ले जाते हैं। आदमी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो प्रभु जी खुद लेने के लिए आएंगे तो ही मैं तो जाऊंगा। पंडित जी वहीं खड़े रह गए। पानी बढ़ता रहा, 10 मिनट के बाद एक नौका आई और नाविक ने कहा, पंडित जी अरे नौका पर चढ़ जाइए, मुसीबत की वेला है। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं तो प्रभु को पुकार रहा हूं और प्रभु आएंगे तो ही मैं तो यहां से निकलूंगा। वो ना निकला ना निकला और आधे घंटा के बाद हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ आया और पंडित जी को आवाज लगाई, पंडित जी आ जाइए और हेलीकॉप्टर को पकड़ लीजिए। उसने कहा, हेलीकॉप्टर जाए बाढ़ में? अरे मैं तो प्रभु जी आएंगे तो ही चढ़ूंगा बचूंगा। और आखिर यूं करते करते पानी नाक पर आ गया और पंडित जी डूब मरे। पंडित जी डूब मरे तो ऊपर में पहुंचे और ऊपर में जाते ही भगवान के सामने पेशी हुई, भगवान जी के सामने पेशी हुई। तो पेशी होते ही पंडित जी ने शिकायत की, क्यों जी आप भी अगर पंडित जी की जगह होते तो शिकायत करते ना कि अरे वाह भगवान जी, यार तुम भी कैसे हो, इतना तुम्हें याद किया तुम आए ही नहीं, इतना तुम्हें याद किया तुम आए नहीं, जिंदगी भर तेरी पूजा की, मुसीबत की वेला आई तो तुम ना आए। तो भगवान जी ने कहा, भाई मैं तो आया था मगर तुमने ही मेरी मदद देने से इनकार कर दिया था। मैं तो आया था पर तूने मेरी मदद लेने से इनकार कर दिया। क्या तू सोचता है कि जीप वाला कोई और था? अरे मैं ही तो जीप में बैठकर आया था और मैं ही नौका पर चढ़कर आया था और मैंने हेलीकॉप्टर वाले को प्रेरणा दी थी कि जा और उसकी मदद कर, मगर एक तू था जो मेरी मदद लेने से लगातार इनकार पर इनकार करता रहा। प्रभु के घर से भी मदद किस रूप में पहुंचेगी ये भी समझने वाले ही समझ सकेंगे, लेकिन विश्वास रखो कि अगर तुम्हारे भाग्य के 99 द्वार बंद भी हो जाएंगे तब भी प्रभु को याद करने वाले के लिए कोई न कोई 100वां द्वार जरूर खुल जाएगा। कोई न कोई 100वां द्वार जरूर खुल जाएगा। आदमी बचपन में मां को अपना जीवन सौंपता है, बचपन में आदमी मां को जीवन सौंपता है, जवानी में पत्नी को जीवन सौंपता है, बुढ़ापे में दादाजी पोते पोतियों के मुंह में उलझ जाते हैं। सोचो, सोच सोच कर सोचो कि प्रभु के लिए वक्त कब निकालोगे।
बचपन में मां मूल्यवान रही, जवानी में पत्नी मूल्यवान हो गई और बुढ़ापे में पोते पोती मूल्यवान हो गए। सोचो, सोच सोच कर सोचो कि फिर प्रभु के लिए हमारे पास वक्त कौन सा है। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो, सांसों के तार तार में, सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो, सांसों के तार तार में। शुभ कर्म करके पुण्य का, शुभ कर्म करके पुण्य का जीवन में बीज बोलो, सांसों के तार तार में, सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो, सांसों के तार के तार, जीवन का एक एक पल। आंखें बंद कर लो, आंखें बंद कर लो, कमर सीधी कर लो। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो, सांसों के तार को पिरो। आपकी जाति सांसों का अनुभव करे, आपकी जाति सांसों का अनुभव करे और हर सांस में प्रभु का प्यार पिरोए। अरे प्रभु सांस देता है तो सांस चल रही है, और प्रभु अगर सांस देना बंद कर दे तो सांस भी बंद हो जाए। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो, तार जीवन का एक एक पल अनमोल है खजाना, जीवन का एक एक पल अनमोल है खजाना, इनमें से एक पल लौट के आना, इनमें से एक पल भी नहीं लौट के आना। आनंद रस से अपना, आनंद रस से अपना अंत है करण भी को, सांसों के तार तार में, सांसों के तार तार में। ज्ञानी की ये निशानी, मीठी सी उनकी वाणी, ज्ञानी की ये निशानी, मीठी सी उनकी वाणी, केवल सुने ही नहीं पिए जिए गुनगुनाए, अंतर मन को देखते रहे, सांसों का आनंद लेते रहे और पिरोते रहे। ज्ञानी की ये निशानी,
से उनकी वाणी, मीठे से बोल मेरी, कहूं की झलक सुहानी, मीठे से बोल अपनी मिठास में प्रभु की झलक देखो। मीठे से बोल में प्रभु की झलक सुहानी, बोलो तो मीठे बोल ही, बोलो तो मीठे बोल ही, अमृत हृदय में घोलो, सांसों के ताल ताल में, सांसों के ताल ताल में प्रभु प्यार को पिबो, सांसों के ताल ताल में, सांसों के ताल ताल में बीती का गम सुना, जहाँ पे आँखें होता वहाँ सवेरा, खुलती जहाँ पे आँखें होता वहाँ सवेरा, तेरे द्वार प्रभु पधारे, तेरे द्वार प्रभु के नयन खोलो, अंतर के नयन खोलो, सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिघोलो, सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिघोलो, सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो। अपनी हर सांस में, दिल की हर धड़कन में उसको पिरो लो। कितनी प्यारी ये प्रार्थना है कि हे प्रभु, तुम असीम हो, हे मेरे प्रभु तुम असीम हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपने शब्दों में पिरोने का दुस्साहस करता हूं। हे प्रभु तुम असीम हो, फिर भी मैं तुम्हें अपने शब्दों की सीमा में ला रहा हूं। हे प्रभु तुम निराकार हो, हे मेरे प्रभु तुम निराकार हो, लेकिन फिर भी मैं मूर्ति और मंदिरों में जाकर के तेरे आकार को साकार करते हुए तुम्हें पूजने का प्रयास करता हूं। हे मेरे प्रभु तुम सर्वज्ञ हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपनी इच्छा जतलाने का दुस्साहस कर रहा हूं। तुम सब कुछ जानते हो कि मैं क्या चाहता हूं, फिर भी मैं बार बार तुम्हें कहने का प्रयास करता हूं कि मेरे जीवन में कठिनाइयां ना आए, पर मैं इतनी मिन्नत तो जरूर करूंगा मेरे प्रभु कि जब भी मेरे जीवन में कठिनाइयां आए तो उन कठिनाइयों का सामना करने का सामर्थ्य तो मुझे जरूर देते रहना, तो मुझे इतना सामर्थ्य जरूर देते रहना कि मैं उन कठिनाइयों का सामना कर सकूं। प्रभु से अगर मांगना भी हो तो केवल तीन चीज ही मांगना मेरे भाई, प्रभु से अगर मांगना हो तो केवल तीन चीजें मांगना, बाकी तो प्रभु खुद ही अपने आप में सब कुछ लुटाते हैं। और मांगने के नाम पर पहली चीज मांगना, और वो है हे प्रभु मुझे अच्छा स्वभाव देना,
पहले एक ही मिन्नत करो कि प्रभु तू मुझे अच्छा स्वभाव देना ताकि मेरी बुद्धि सद्बुद्धि रहे और मैं सब लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर सकूं। एक ही प्रार्थना हो कि प्रभु तू मुझे अच्छा स्वभाव देना, और दूसरी प्रार्थना ये हो कि हे मेरे प्रभु, मैं औरों की भलाई करता रहूं, मेरे द्वारा औरों की भलाई हो, बस मेरी दूसरी मांग केवल इतनी सी है। और तीसरी मांग केवल इतनी सी है प्रभु कि सदा मुझे तू मेहनत की कमाई देना, मैं पसीने की रोटी खा सकूं, अपनी मेहनत की कमाई खा सकूं और उसी में ही सुखी और संतुष्ट और आनंदित रह सकूं। बस प्रभु से केवल इतनी सी प्रार्थना करो, इतनी सी मंगनी करो, बाकी तो जो प्रभु दे दे सबका स्वागत है। मुझे तो लगता है मांगने के नाम पर इतना सा मांगना काफी है, बाकी तो ये दृढ़ विश्वास है कि जो प्रभु हमें जन्म देता है, जन्म बाद में देता है, मां का आंचल दूध से पहले भर दिया करता है, वो अपने आप हमारी सारी व्यवस्थाएं खुद ही संजोएगा, पर हमारा मन कभी पापी मन न हो जाए। इसलिए प्रभु तो हमें मेहनत की कमाई देना, हम कहीं खुद गर्ज न हो जाएं, इसलिए तू हमें औरों की भलाई करने का दृष्टिकोण सदा देते रहना। और मैंने क्या कहा, हमारा स्वभाव अच्छा रहे, सौम्य रहे। बस प्रभु से ये तीन प्रार्थना भी अगर कर लेते हैं और हमारी ये तीन प्रार्थनाएं भी अगर पूरी हो जाती है, मुझे लगता है कि उतना इंसान के लिए काफी हो जाएगा। प्रभु के रास्ते पर चलने के लिए अपने भीतर प्रभु के प्रति अपना प्रेम पालिए, उनके प्रति अपनी प्रीति जगाइए। प्रेम से बढ़कर के प्रभु तक पहुंचने का और कोई रास्ता नहीं हुआ करता। सबसों ऊंची प्रेम सगाई, सबसों ऊंची प्रेम सगाई, अरे दुर्योधन घर मेवा छोड़े, शाक विदुर घर खाई रे बंदों। सबसों ऊंची प्रेम सगाई, कि दुनिया में सबसे बड़ी सगाई अगर कोई है तो वो प्रेम की सगाई हुआ करती है, कि जिसके चलते कि कभी भगवान पहुंचते हैं हस्तिनापुर में और दुर्योधन उन्हें न्योता देता है कि प्रभु आज का भोजन मेरे घर पर लिया जाए, लेकिन प्रभु तो मेवों के भूखे नहीं हैं, प्रभु तो भक्ति के भूखे हैं। और तब दुर्योधन का घर छोड़ दिया जाता है, मेवे छोड़ दिए जाते हैं और विदुर के घर की साग सब्जी स्वीकार कर ली जाती है। और साग सब्जी भी कैसी कि विदुर की पत्नी केले छीलती है, केले केले फेंकती जाती और छिलके छिलके भगवान को पकड़ाती चली जाती है। अरे साग सब्जी भी कैसी है कि शबरी बेर चक चक करके भगवान को खिलाती है और भगवान भी भक्ति के ऐसे प्रेम के ऐसे भूखे कि झूठे बेर भी खाना पसंद कर लेते हैं। झूठे बेर भी शबरी के बेर दुनिया में मशहूर हो जाता है, श्रद्धा किसकी, शबरी की। और विदुर की पत्नी जब भगवान को केले खिलाती है तो लगातार भगवान को देखने में इतनी तल्लीन हो जाती है कि केले तो नीचे गिर रहे और छिलके वो आगे पकड़ाती जा रही है और भगवान भी उन छिलकों को प्रेम से खाते चले जा रहे हैं। तभी तो मैंने कहा सबसों ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन घर मेवा छोड़े और शाक विदुर घर खाई रे बंधों। सबसों ऊंची प्रेम सगाई, अरे दुनिया में सबसे मीठी मधुर कोई सगाई है तो प्रेम की ही तो सगाई हुआ करती है। प्रेम में जहां लैला मजनू और हीर रांझा की विरह व्यथाएं हैं, वहीं नेमी राजुल की वैराग्य कथाएं भी छिपी हुई हैं। और उसी प्रेम में राधा और कृष्ण राम की रास लीलाएं भी छिपी हुई है और इसी प्रेम में ही प्रभु की भक्ति भी समाई हुई है। प्रेम ही प्रणाम बनता है, प्रेम ही प्रसाद होता है, प्रेम ही आशीर्वाद बन जाता है और प्रेम ही अनुग्रह के फूल बन जाया करता है सबके भीतर। आखिर वो चीज प्रेम ही तो है। पति पत्नी के बीच क्या है, प्रेम। भाई भाई के बीच क्या हो, प्रेम। सास बहू के बीच क्या हो, प्रेम। गुरु और शिष्य के बीच क्या हो, प्रेम। और भगत और भगवान के बीच में क्या हो, प्रेम। सब चीजों के बीच में प्रेम है। इंसान से जो प्रेम करते हैं वो तो प्रेम की शुरुआत है,
पशु पक्षी और पेड़ पौधों से जो प्रेम करते हैं वो प्रेम का विस्तार है, और परमात्मा से जो प्रेम करते हैं वो प्रेम की पराकाष्ठा है। परमात्मा से जो प्रेम होता है वो प्रेम की पराकाष्ठा है। तभी तो मीरा जैसी महासतियां, मीरा जैसी महान साध्वियां, तब वो प्रभु के प्रेम में पागल होती है, और पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे जैसे गीत गुनगुनाए जाते हैं। एरी मैं तो प्रेम दीवानी रे मेरो दर्द न जाने को, माई री मैं तो प्रेम दीवानी रे मेरो दर्द न जाने को। माई री मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को, माई री मैं तो। सभी गुनगुनाएंगे और आनंद लेंगे। ये गीत मैं अपने लिए भी गा रहा हूँ, और ये गीत मैं माँ मीरा को राजस्थान की इस पवित्र माटी के द्वारा समर्पित कर रहा हूँ। ये गीत गांधी मैदान के सत्संग प्रेमियों के द्वारा समर्पित कर रहा हूँ। माई री मैं तो प्रेम दीवानी रे मेरो दर्द न जाने को, माई री मैं तो प्रेम दीवानी रे मेरो दर्द न जाने को, माई री मैं तो प्रेम दीवानी रे मेरो दर्द न जाने को। पीड़ाओं में भीतर बैठकर गाया है, और अगर इस गीत को सुनते हुए अगर हमारा हृदय न उमड़ आए और आंखों से अगर आंसू न बह जाए तो गीत को गाना और सुनना दोनों ही व्यर्थ है। इसलिए इसको गाए नहीं डूबे, डूब कर गाए। ऊपर सेज हमारी किस विध सोना,
गगन मंडल में सेज प्यारी, गगन मंडल में सेज प्यारी, गगन मंडल में सेज प्यारी, किस विध मिलना हो माई री मैं तो प्रेम की वाणी बना लो, खुद को मीराबाई बना लो। अरे व्यक्ति मत बनकर मत गाओ, खुद ही मीरा बनो और खुद ही गुण बनाओ। माई रे मैं तो प्रेम दीवानी गगन जाने को, माई रे मैं तो प्रेम दीवानी घायल रीगत घायल जाने।